आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे, तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। तुमने कहा कि मैं यहाँ बैठा भी हूँ तो कुछ सोच रहा हूँ अतीत का, और मुझे लग रहा है कि ऐसा न किया होता तुम अभी जो होता है, अभी जो है वो थोड़ा अलग होता है ना। तो तुम कह रहे हो कि अभी यहाँ होकर भी मन में विचार तो अतीत का ही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि अतीत को लेकर के मन में कोई विचार ना उठे। और मैं तुम्हें, नाम क्या है? अभिषेक। और एक तुम्हें बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, तुमने कहा अतीत का विचार चल रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ हर विचार कहीं ना कहीं अतीत का ही होता है। अतीत ना हो तो विचार आएगा कहाँ से, ये बात बिल्कुल समझ लेना। हर विचार या तो अतीत का होगा या भविष्य का होगा। और कहाँ के होते हैं विचार? विचारों में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अपराध नहीं हो गया अगर मन में कोई सोच उठ रही है। बस एक चीज का ख्याल रख लेना कि ऐसा मत सोचना कि सोचते ही गए। इनफाइनाइट रिकर्सिव लूप मत चला देना। कि प्रोग्राम की एक लाइन बोल रही है गो टू द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन बोल रही है गो बैक टू द प्रीवियस लाइन। अब ये लगातार चलता रहेगा और यही हमारी हालत रहती है। हमारे विचार तो उठता है पर कभी खत्म नहीं होता, हमें उसी में सुख मिलना शुरू हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोफेशनल थिंकर हैं, ये दिन रात मात्र सोचते हैं। देखें ऐसे लोग, वो एक ही बात को 500 बार सोचते हैं और कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। एक ही वर्तुल है, एक ही सर्किल है, वो उसी में गोल गोल घूम रहे हैं और 500 बार घूम रहे हैं। एक ही कमरा है, उसके 500 चक्कर लगा रहे हैं जैसे कि कहीं नई जगह पहुंच जाएंगे। वो वही चक्कर लगा लगा करके उनकी उम्मीद है कि कहीं और पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? विचार आदमी के मन को मिली हुई बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है, और विचार होता अतीत का या भविष्य का ही है, इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल बात ठीक, सोचो, लेकिन सोचते वक्त ये ध्यान रहे कि इस सोच को अब खत्म भी हो जाना चाहिए। गहराई से सोचो, बल्कि गहराई से सोचना तो अभिषेक ध्यान की शुरुआत है। अटेंशन की शुरुआत जानते हो कहां से होती है? गहरी ताकतवर सोच से। हां, वो जब सोच मैच्योर हो जाती है तो घुल जाती है, खत्म हो जाती है, तब तुम कहते हो कि अब मैं पूरे ध्यान में हूं, अब सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर तुम उसको कहते हो थॉटलेस अटेंशन। पर थॉटलेस अटेंशन की भी शुरुआत तो थॉट से ही होती है। तो थॉट बड़ी प्यारी शक्ति है जो तुमको उपलब्ध है, उसमें भूल में मत पड़ जाना कि मैं सोचता क्यों हूं। बहुत अच्छी बात है कि सोचते हो, पर सोचो और सोच के मामले को जल्दी से खत्म करो, सोचते ही मत रह जाओ। थॉट समझ लो एक लिफ्ट की तरह है, एलिवेटर। वो तुमको ग्राउंड फ्लोर से बिल्कुल ऊंचा ले जाएगा, ऊंचे से ऊंचा जहां जाना चाहते हो, पर अंततः तुम्हें उससे उतरना भी तो पड़ेगा ना। लगातार सोचते ही नहीं रह सकते। तुम ऐसे आदमी को क्या कहोगे जो दिन भर सिर्फ लिफ्ट में ही खड़ा रहता है, लिफ्ट मैन या पागल?
कभी ना कभी तो सोचना बंद भी करना पड़ेगा। सोचो और इतनी ताकत से सोचो कि समाधान पर पहुंच जाओ। जो तुम्हारा सवाल है वो बाकी ही ना बचे, ऐसा सोचो। और फिर सोचने की जरूरत नहीं, अब तुम मजे में हो, मन हल्का है, कुछ नहीं चल रहा है यहां पर, बिल्कुल हल्का है, कोई बोझ ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि अभी तुम्हें अतीत का ख्याल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने बैठ करके अपनी पूरी ताकत से, ईमानदारी से कभी उन सब बातों का निवारण करा ही नहीं। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ और बोलो कि आ मिस्टर थॉट वेलकम, बोलो क्या चाहते हो, रोज चले आते हो, चाहते क्या हो तुम, लड़ो मत उससे, अनवेलकम नहीं है वो, उसे आने दो, उसे आने दो और निडर हो करके उससे बात करो कि तुम चाहते क्या हो जो रोज चले आते हो, लड़ नहीं रहे हो, सिर्फ पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो, क्या मर्जी है तुम्हारी। और जैसे ही ये करना शुरू करोगे तुम पाओगे कि बेकार के विचारों की अब जीवन में जगह कम होती जा रही है। विचार उठता है तो उसका कोई कारण होता है, उस कारण को देख लो, देखते ही तुम उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कभी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण होता ही नहीं है, कारण हमेशा ऐसे ही होते हैं हमारे, छोटे छोटे बचकाने, पर उनसे विचार बड़े बड़े उठते हैं, बड़े बड़े विचार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी का फोन आधे घंटे तक नहीं मिला तो कैसे कैसे विचार आते हैं, बात कहां तक नहीं पहुंच जाती, एक दिन गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो कितनी दूर तक विचार जाते हैं, हुआ कुछ नहीं है, तुम 15 मिनट लेट हो गए थे, बस इतनी सी बात थी, लेकिन मन बड़ी दूर दूर तक, क्योंकि उसे कौन रोक सकता है, कहीं भी जा सकता है। और फिर सुलह हो गई अगले दिन, अब कोई विचार नहीं है। और पिछले दिन तुमने ब्रेकअप की पूरी तैयारी कर ली थी, कर ही लिया था मन में, ब्रेकअप की ये नहीं तैयारी कर ली थी तुमने, अगली वाली भी तय कर ली थी कि ये तो जाएगी ही, अब अगली ऐसी चुनूंगा कि ये जल मरे। कितनी दूर तक घोड़े दौड़ जाते हैं। और कारण क्या था कि 15 मिनट लेट पहुंचे, वो बैठी हुई है रेस्टोरेंट में और आप गायब हैं, बस इतना सा था। तो जो कुछ भी हो रहा है वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, तो मुझसे कहो थम, जरा बात करें हम, ये जो इतना मामला बढ़ा हुआ है इसकी वजह क्या है, थोड़ा बात करें हम। और जब बात करोगे तो पाओगे कि ज्यादा कुछ था नहीं, जो था वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना। आपने बोला सोचने से अहंकार बढ़ता है। बढ़ता नहीं, पलता है उसी पर, पलता है। अहंकार जो होता है व्यक्ति का नाश ही करता है, यानी कि हमें सोचना नहीं चाहिए, बट हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि हमें जब भी कोई काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। अभी जब मैं अभिषेक नाम था ना, जब उसके सवाल का जवाब दे रहा था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था लिफ्ट का इस्तेमाल करो और छोड़ दो। तुम्हें एक नदी पार करनी है तो तुम नाव का इस्तेमाल करोगे, पर जब दूसरे छोर पे पहुंच जाओगे और तब भी बैठे हुए हो नाव में तो पागल हो कि नहीं हो, कि पहुंच गए और उतरने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि मोह हो गया है नाव से, इतनी प्यारी नाव है उतरे कौन। बुजुर्गों ने ठीक कहा है पर उन्होंने बात आधी ही कही है, उन्होंने ये तो कहा कि सोच समझ के काम करो, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जब समझ आती है तो सोच अपने आप विलीन हो जाती है। सोच का काम ही यही है कि वो समझ में तब्दील हो जाए, और सोच जैसे ही समझ बनी अब सोच की क्या जरूरत।
उन्होंने ये थोड़ी कहा कि सोचते ही रहो और काम कभी मत करो, समझ रहे हो? सोचना शुरू करो, अच्छी ताकत है, और गहराई से सोचो ताकि समझ जाओ, बस बात खत्म। और जितनी गहराई से सोचोगे उतना कम सोचना पड़ेगा, जितनी ताकत से सोचोगे उतना कम सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसका अर्थ ये भी है कि अगर अपनी पूरी ताकत से सोचो तो सोचना पड़ेगा ही नहीं, क्षण भर में बात समझ में आ जाएगी, मिली सेकेंड में समझ में आ गई, अब सोचना क्या। तुम्हें लगातार लगातार इसीलिए सोचना पड़ता है क्योंकि तुम अधमने होके सोचते हो, तुम सोचते भी ठीक से नहीं हो।